सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे स्मार्टफोन बताऊंगा जिन्हें आप फ्लिपकार्ट सेल में खरीद सकते हो काफ़ी अच्छे ऑफर के साथ। जी दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे फ़ोन बताने वाला हूँ जो आपके बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, और दोस्तों ये तीनों ही फ़ोन अलग अलग प्राइस पर आने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको तीनों फ़ोन को बताऊँगा और साथ में दोस्तों ये बताऊँगा कि आप इन तीनों फ़ोनों को कितनी कितनी प्राइस पर खरीद सकते हो, और दोस्तों इन फ़ोन में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले फ़ोन की बात करें तो ये आता है दोस्तों रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी का रियलमी 7 आपको इस सेल में 15,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसका 6GB 64GB वेरियंट है, आपको सिर्फ 15,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। और इसे आप अगर कार्ड से खरीदते हो, कोटक कार्ड से या फिर आई सी बैंक कार्ड से या फिर एक्सिस बैंक कार्ड से, तो दोस्तों इसके ऊपर आपको 1500 रुपये का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों 1000 रुपये का आपको इसके ऊपर प्रीपेड ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये फ़ोन आपको सिर्फ 12,500 रुपये का पड़ सकता है, जो कि मैं कहूँगा दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में आपको 6.5 इंच की फुल एच डी डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर दोस्तों आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें मैं हेलियो G95 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और दोस्तों इसका जो कैमरा है उसमें आपको सोनी का लेंस मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 12,500 रुपये में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी डील मिल रही है। अगर आप रियल में कोई डिवाइस लेना चाहते हो तो आप रियलमी 7 ले सकते हो, जो कि दोस्तों आपको 12,500 रुपये पड़ सकता है फ्लिपकार्ट सेल के अंदर। अब दोस्तों दूसरे फ़ोन की बात करते हैं तो ज़्यादा दोस्तों पोको की तरफ से। दोस्तों ये फ़ोन आपको इसका 4GB 64GB वेरियंट आपको फ्लिपकार्ट सेल में 13,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे इनमें से किसी कार्ड से खरीदते हो जो कि दोस्तों इस सेल में बताए गए हैं, तो अगर दोस्तों आपको 1300 रुपये का देखने को मिल जाएगा, और प्लस दोस्तों आपको इसके ऊपर 1000 रुपये का कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये फ़ोन आपको सिर्फ 11,700 का पड़ सकता है, जो दोस्तों मैं कहूँ काफ़ी अच्छी डील है। क्योंकि दोस्तों पोको का M2 Pro जो है फ़ोन, वो दोस्तों काफ़ी बड़ा फ़ोन है, इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी है, और दोस्तों इसका जो बैक पैनल है वो तो सेम रेडमी के नोट 9 प्रो जैसा है। दोस्तों आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें दोस्तों आपको रेडमी के नोट 9 प्रो जैसी लुक आए, जिसका कैमरा काफ़ी अच्छे हो, बैटरी दोस्तों काफ़ी बड़ी हो, इसमें दोस्तों आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, 200 बैटरी काफ़ी बड़ी हो, और प्रोसेसर दोस्तों स्नैपड्रैगन का 720G हो। तो आप इस फ़ोन को बिना टेंशन के खरीद सकते हो, क्योंकि दोस्तों 11,700 रुपये में आपको काफ़ी अच्छी डील मिल रही है पोको की तरफ से। दोस्तों पोको ब्रांड काफ़ी अच्छी है, दोस्तों आप इस पर बिना टेंशन के भरोसा कर सकते हो और इस फ़ोन को 12,000 रुपये के अंदर खरीद सकते हो। दोस्तों मैं कहूँ काफ़ी अच्छी डील है, इसका जो डिस्प्ले है, इसका कैमरा दोस्तों काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे फ़ोन की, जो आता है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिन्हें सिर्फ सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए होता है, उन्हें किसी और ब्रांड पर भरोसा नहीं होता। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी F41 की, जो कि दोस्तों आपको इस सेल में 15,500 रुपये का देखने मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसे डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो, जो कि दोस्तों इस सेल में बताए गए हैं उनमें से किसी कार्ड से खरीदते हो, तो इसके ऊपर आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, प्लस दोस्तों आपको इसके ऊपर 1000 रुपये का कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये फ़ोन आपको सिर्फ 13,200 के आसपास पड़ सकता है। तो दोस्तों 13,200 के आसपास ये फ़ोन आपको काफ़ी अच्छी डील दे रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका जो कैमरा है वो 64 MP का है, इसकी डिस्प्ले दोस्तों सुपर एमोलेड है 6.4 इंच की, और दोस्तों इसमें बैटरी आपको काफ़ी बड़ी दी गई है 6000mAh की, जिसमें दोस्तों आपका 2 से 3 दिन आराम से निकल जाएगा अगर आप अपने फ़ोन को सिर्फ नॉर्मल यूज़ करते हो। तो दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है Exynos 9001, तो दोस्तों इसमें दमदार नहीं है, बट आपका नॉर्मल यूज आसानी से निकाल देगा। अगर आप गेमिंग नहीं करते हो ज़्यादा हैवी, तो आपको इस फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पर दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके देगी। दोस्तों अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जो सैमसंग ब्रांड का हो, सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो, और दोस्तों बैटरी का भी बड़ी हो, तो आप इस फ़ोन को 13,200 रुपये के अंदर खरीद सकते हो, जो दोस्तों मैं कहूँगा सैमसंग की तरफ से काफ़ी अच्छी डील है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिन्हें सिर्फ सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए होता है, और दोस्तों इसका जो साइज है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आपके हाथ में आसानी से ग्रिप हो जाएगा। दोस्तों ये 3 फ़ोन थे जो आप इन सेल के अंदर काफ़ी अच्छे ऑफर के साथ खरीद सकते हो, जिसे दोस्तों आप दिवाली सेल के अंदर काफ़ी अच्छे ऑफर के साथ खरीद सकते हो। दोस्तों ये तीनों फ़ोन हैं जो दोस्तों अलग अलग रेंज पर आते हैं और अलग अलग ब्रांड के हैं। दोस्तों इस लिस्ट में मैंने रेडमी का कोई फ़ोन नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों रेडमी के फ़ोन आते हैं वो आपको अमेजन पर मिलते हैं। दोस्तों अमेजन वाली सेल चल रही है, बट दोस्तों आपको उस सेल में किसी भी डेबिट कार्ड का ऑफर नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैंने उनके दोस्तों कोई भी फ़ोन इस वीडियो में नहीं बताए हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।